तिलस्म से निकलकर भूतनाथ अपनी प्रेमिका नागर से मिलने काशी जाता है, जहां उसकी पुराने दुश्मन चंद्रशेखर से मुठभेड़ होती है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे बख्श। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नागर के घर पर उसे दयाराम के जिंदा होने की खबर मिलती है। इंद्रदेव जी का ख्याल सही था कि इंदे, जमुना और सरस्वती शायद तिलिस्म के अंदर पहुंच गई होंगी, पर यहां तो चार फूल के लिए हुए हैं। ये चौथा आदमी कौन है जो तिलिस्म के अंदर पहुंच गया है? क्योंकि जितने आदमी अंदर होंगे उतने ही फूल के लेंगे। हाय, देखा जाएगा। प्रभाकर सिंह, तुम कौन हो? मैं इस सिंहासन की रानी हूँ। पर तुम सामने क्यों नहीं आती? बहुत बेताब हूँ मुझे देखने के लिए। तुमसे पहले भी बहुत से आदमी यही तमन्ना लिए यहाँ आए थे, पर अफसोस सारे नाकाम होकर इसी तिलस्म में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी। हमें तुम्हें देखने की कोई तमन्ना नहीं है, हम तो सिर्फ इस सिंहासन को जीतना चाहते हैं। और मैं इस सिंहासन की कैद से आजाद होना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम वीर पुरुष हो और मुझे इस कैद से जरूर आजाद करोगे। अवश्य, हम तुम्हें वचन देते हैं, पर तुम्हें बिना देखे हम कैसे आजाद करा सकते हैं? इसका एक उपाय है। इस मकड़ी के जाले में मेरी जान, इस जाले को काट डालो, मैं मर जाऊंगी। मुझे सिंहासन की कैद से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें सिंहासन मिल जाएगा। सोचो मत प्रभाकर सिंह, आगे बढ़ो और अपना वचन पूरा करो। पर हम उस पार पहुंचेंगे कैसे? वो भी बताती हूँ। पानी में देखो, चले आओ प्रभाकर सिंह।
हे राम, बहुत बुरे फंसे, ये सब मेरे कर्मों का फल है। हाय, हाँ, हे भगवान, हाय, कौन हो तुम? जी मैं, भगवान के लिए मेरी जान बचाइए। तुम कुछ जानी पहचानी सी लगती हो। मैं आपकी ताबेदार हरदेई हूँ, आपकी पत्नी, और सालों की बहुत दिनों तक खिदमत कर चुकी हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब हमें याद आया, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं यहाँ भूल भुलैया में घूम रही हूँ, भूख और प्यास के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक फलों का बाग है, वहाँ कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा, चलो। तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हुए? 7 दिन। अच्छा, तुमने इंदे, कला और बिमला को कहीं देखा है? हाँ देखा था, पर आज मुझे उन तीनों को अपनी मालकिन कहते हुए भी शर्म आती है। क्यों, उन्होंने ऐसा क्या किया है? अब मैं आपसे क्या कहूँ, कला और बिमला तो पहले ही 2 आदमियों से अनुचित प्रेम करके अपना धर्म बिगाड़ चुकी थी, ऊपर से अब उन्होंने इंदुमती को भी अपने करतूतों में मिला लिया। क्या, हमारी इंदे का धर्म भ्रष्ट हो गया है? देख लौंडी, जो कुछ कहना है ना, सोच समझ कर कहना, नहीं तो। आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मैं खुशी से मंजूर करूंगी। तो ठीक है, हमें बेखौफ होकर बताओ कि हमारे बाद इस घाटी में क्या हुआ। तो सुनिए, आपके लड़ाई पे जाने के बाद एक दिन इंदुमती, कला और बिमला घाटी के बाहर घूमने निकली, और जब वापस आई तो आपकी शक्ल का एक आदमी साथ गया। बस बस, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। ये क्या सुन लिया नींदे? तुम्हारे पवित्र सलोने रूप को देखकर हमारे हृदय में प्यार का तूफान उमड़ाता था, और आज तुमने हमें किस जगह लाकर छोड़ दिया? हमसे बेवफा नींदे, हमसे, हमें तुमसे नफरत है नींदे, नफरत है तुमसे, तुमसे नफरत है नींदे। हुजूर, हरदेई, ये जगत ही कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा।
अगर वो तीनों इस तिलिस्म के अंदर हैं, तो हम उन्हें जरूर खोज निकालेंगे। ये किताब जरूर इस तिलिस्म की कुंजी होगी। बस वो फलों का बाग पास ही में है, थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं और आगे की सोचते हैं। चलो। यहाँ चारों तरफ काफी फलों के पेड़ हैं, जो चाहो खा लो। जी, और आपके लिए? नहीं नहीं, हम तो बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर यहीं आराम करेंगे। जो आके शुक्रिया हुजूर। उफ, ये सर दर्द, न जाने हम कितनी देर सोते रह गए। हरदेई, हरदेई, ये कमबख्त भी न जाने कहां है। हमारी तिलिस्म की किताब कहाँ है? कहीं हरदेई ने तो चोरी नहीं की? ये क्या हो गया? कहीं हरदेई की शक्ल में कोई अय्यार तो नहीं था? हरदेई, 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 ये क्या? क्या किसी ने हरदेई का खून कर दिया? न जाने हमारी तिलिस्म किताब कहाँ है। बहुत अच्छे, शाबाश रामदास, आज तो तुमने वो काम कर दिखाया जो शायद मैं भी ना कर पाता। लेकिन उस दिन कुएं के अंदर जो तुमने बेअदबी की थी ना, उसे भूलना जरा मुश्किल है। अब गुरुजी, आपकी जान बचाने के लिए वो नाटक करना जरूरी था, क्योंकि मैं तो उस जाल में फंस ही गया था। ना मैं उस जाल में फंसता, ना प्रभाकर सिंह मुझे मिलते, और ना ही ये तिलस्मी किताब हासिल होती। इतना ही नहीं गुरुजी, वो तीनों औरतें अभी भी उसी तिलस्म में फंसी हुई हैं। क्या? हाँ, जमुना, सरस्वती और इंदुमती उसी तिलस्म में है? जी हाँ। तब तो मुझे आज ही तिलस्म में घुसना पड़ेगा, क्योंकि उन तीन औरतों को खत्म किए बिना मेरा राज नहीं छुप सकता। तुम्हारे पास हरदेई के कपड़े तो है ना? हाँ, ये क्या, इसी में है। मैं जानता था गुरुजी, आप मेरे बगैर उस तिलिस्म में नहीं घुसेंगे। तुमने ठीक सोचा, हम अभी और इसी वक्त तिलिस्म में घुसेंगे। हाँ गुरुजी, चलो। चलिए।
इंदुमती? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हम लोग इस तिलस्म में कैसे फंस गए और न जाने वो कहाँ है। जीजाजी के बारे में मुझे भी बहुत फिक्र है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब हमने उनके जख्म साफ करने चाहिए तो उन्होंने खुद साफ करने की क्यों जिद की थी, और हमारे खाने में बेहोशी की दवाई किसने मिलाई थी? देखो वो चार दीवार के पीछे कौन है। ये तो आखिरकार आप हमें बचाने आ ही गए। हाँ, तुम लोगों की खोज में हम काफी दिनों से परेशान से हो रहे थे। लड़ाई के बाद जब हम तुम लोगों की घाटी पहुंचे तो उसे उजड़ा और सुनसान पाया। क्या लड़ाई के बाद आप हमसे मिलने नहीं आए थे? नहीं। क्या आपका जख्मी घोड़ा आपको हमारी घाटी के बाहर तक नहीं छोड़ के गया था? कभी नहीं। आपको जख्मी देखकर क्या हम लोगों ने आपको ठीक करने की कोशिश नहीं की थी? नहीं नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। और लड़ाई के मैदान से हम भाग कर नहीं, फतेह होकर लौटे हैं। भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। बुरा हुआ ऐसे प्यार का जो सोचने समझने की शक्ति छीन ले। अब समझ में आया, हरदेई ने जब तुम लोगों के बारे में बताया तो कहा था कि कोई गैर आदमी प्रभाकर सिंह बनकर तुम्हारी घाटी में घुस आया था, और बहुत दिनों तक इंदुमती उसके साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये बात हरदेई ने आपको बताई है? हाँ, और साथ ही साथ तुम्हारी इन दो बहनों के अनुचित प्रेम के बारे में भी हरदेई ने हमें सब कुछ बताया। हरदेई बिल्कुल झूठी है, उसने जरूर हमारे साथ दुश्मनी की है। बेशक, तुम लोगों की असलियत हमें बताकर उसने तुमसे दुश्मनी की है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। आप जरा इधर तो आइए ना, आप सब समझ जाएंगे। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। वो तुम्हारे पीछे कौन है? ये दुष्ट पापी, बचाइए, हमें बचा लीजिए, ये दुष्ट हमारे खून का प्यासा है। हाँ, पर हम आए कैसे? जल्दी कीजिए, वो पहाड़ी है ना, पहाड़ी के पीछे से घूम के आ जाइए। रह जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हम तीनों मुझसे बचकर नहीं जा सकती। आज मैं अपनी प्यासी तलवार को तुम्हारे खून से संतुष्ट करूंगा।